लग रहा है अभी भी यहाँ पर जिस तरीके से सपोर्ट के आसपास हलचल हो रही है, पर्टिकुलर सपोर्ट शायद होल्ड नहीं होने चाहिए ऑन बोथ द इंडाइसेस, एंड बैंकिंग पे मुझे लग रहा है वापस थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए। तो इंडसइंड बैंक पिछले हफ्ते का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था ऑन द नेगेटिव साइड, जिस तरीके से अभी भी इसका स्ट्रक्चर है अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, इसने काफी समय के बाद एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है। तो जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर एक उछाल मिला है 1026 के आसपास, इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं, मुझे लग रहा है 1026 से 1030 तक यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय की जा सकती है। स्टॉप लॉस ऑन द हायर साइड लगाना है 1042 पे। इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 995 एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 980 का। बिकवाली करनी है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में। ओके सचिन कंसिस्टेंटली सेलिंग और इंडसइंड बैंक, तो मेरे ख्याल से सचिन के सारे टारगेट्स मीट हुए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर लगातार सेलिंग की अप्रोच लगा रखी है इन्होंने। सचिन गुड मॉर्निंग, कोई और बैंकिंग स्टॉक जो आपके ध्यान में आ रहा हो अपार्ट फ्रॉम इंडसइंड बैंक? अरुण जी, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक पे भी ध्यान है। इनफैक्ट काफी समय से इसने 840 के जोन के आसपास काफी प्रयास किए हैं एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाने के। वीकली चार्ट पे जरूर एक हैमर फॉर्मेशन है, बट जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कंफर्मेशन की जरूरत है अगर ये रिबाउंड एस्टैब्लिश करना है तो। क्लियर कट एविडेंस यही है कि अराउंड 840-845 के आसपास काफी बड़ी मल्टीपल हर्डल्स है, एंड ऑन द लोअर साइड अगर थोड़े से भी स्लिपेजेस यहाँ से आ जाते हैं 826 के नीचे, तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में वापस अच्छा दबाव नजर आएगा, एंड लगभग अराउंड 800-805 के पहले मेजर कोई सपोर्ट नहीं है, तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रिगर बन सकता है 825 लेवल ब्रेक होने के बाद। सचिन का मूड ठीक नहीं हो रहा है। इंडसइंड बैंक के बाद एक और दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक पे बिकवाली करने का कॉल। खैर मैं एक काम कर रहा हूं, पहले टॉप कॉल्स को रिविजिट कर दिया जाए। गावस्कर से शुरुआत हुई थी, अल्ट्राटेक सीमेंट फ्राइडे को बढ़िया मूव्स एंजॉय करे उस स्टॉक पे आपने। गावस्कर कह रहे हैं खरीदने के मौके हैं, यहां से लेकर कोई भी डिप 7200 तक का बाय करें। 7200 का स्टॉप है, 7400 का टारगेट। मानस एचडीएफसी बैंक पे तेजी का मूड बना रहे हैं, फ्राइडे को बहुत अच्छे मूव जाते आते आए थे एचडीएफसी ट्विंस में। बैंक पसंद, 1559 का स्टॉप है, 1610 के टारगेट्स। सतपुते साहब ने चुना है ट्रेंट, 1330 का स्टॉप लगाइए और 1450 तक के लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आएंगे। ट्रेंट वो स्टॉक है जिसमें कविता जी की पकड़ बीच में बड़ी मजबूत थी, खूब तेजी हमने ट्रेंट पे वहां पे एंजॉय करी और पता चला था वीकेंड में कविता जी आपको इसलिए दिखी थी, रेस कोर्स रोड में है वेस्ट साइड के शोरूम इंदौर में, वहां बिजी थी। ओवरऑल रियल्टी लेकिन आज रडार पे आता हुआ रियल एस्टेट स्टॉक, 860 का स्टॉप है, 892 का लक्ष्य। सचिन ने इंडसइंड बैंक को चुना है, दबाव और बढ़ेगा, 1042 का स्टॉप लॉस है, 980 तक के टारगेट्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक जैसा एक और प्राइवेट बैंकिंग मेजर भी शायद दबाव की गिरफ्त में रहे, ऐसा सचिन मानते हैं। मरेश गुड मॉर्निंग, क्या कह रही? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।